नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगणमन और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। संत समाज को राह दिखाते हैं, उन्हें अंधेरे के बीच उम्मीद का उजाला समझा जाता है। लेकिन अगर संतों की साख पर ही सवाल खड़े होने लगे तो फिर उन पर आस्था रखने वालों को चोट पहुंचने लगती है। इलाहाबाद में गुरु पूर्णिमा के दिन एक ऐसे व्यक्ति को महामंडलेश्वर की पदवी दे दी गई जो रियल एस्टेट और बियर बार के कारोबार से जुड़ा है। आज जनगणमन में यही सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे धर्म पर भारी पड़ गया धंधा। आखिर बियर बार चलाने वाले को महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया? धर्म पर भारी पड़ गया धंधा। आखिर बियर बार चलाने वाले को महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया? ये तस्वीरें इलाहाबाद की हैं, जहां गुरु पूर्णिमा के दिन मठ बागम्बरी गद्दी आश्रम में एक भव्य समारोह में स्वामी सच्चिदानंद गिरिजी महाराज का पट्टाभिषेक कर उन्हें निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया। ये मौका कितना खास था, ये इसी से समझा जा सकता है कि इस मौके पर साधु संतों के साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम की जगह पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की गई। कहा जा रहा है कि सच्चिदानंद गिरी को महामंडलेश्वर बनाने की अनुशंसा अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद ने की। सच्चिदानंद गिरी जी महाराज निरंजनी अखाड़े के आज महामंडलेश्वर बने और पूज्य सरकार के नेतृत्व में यह पूरा कार्य हुआ। आज उसको एक दिव्य और नया जीवन मिला। तो आज गुरु ने एक सत्पात्र का चयन किया, गुरु जी ने एक दिव्य पात्र को अपना करके उसके जीवन में एक दिव्य अवसर प्रदान किया। स्वामी सच्चिदानंद गिरी ने महामंडलेश्वर कैलाशानंद की प्रेरणा से ही संन्यास ग्रहण किया था और तब उनका नाम सच्चिदानंद ब्रह्मचारी पड़ा था। लेकिन स्वामी सच्चिदानंद को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर सवाल खड़े हो गए हैं। वजह है ये तस्वीरें, इसे जरा गौर से देखिए। ये वही सच्चिदानंद गिरी जी महाराज हैं जिन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया है। इंडिया न्यूज के पास सचिन दत्ता की एक नहीं ऐसी कई तस्वीरें हैं जो उनके पारिवारिक और कारोबारी जीवन से जुड़ी हैं। दरअसल सच्चिदानंद गिरी का असली नाम सचिन दत्ता है। मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाले सचिन नोएडा में अपने परिवार के साथ सेक्टर 41 में रहा करते थे। सचिन पेशे से बिल्डर के साथ ही डिस्को और बियर बार संचालक भी हैं। कुछ समय पहले ही सचिन पर जानलेवा हमला हुआ था, तब उनके हाथ में गोली भी लगी थी। साल भर पहले सचिन ने नोएडा के सेक्टर 18 में क्वांटम नाम के अपने नाइट क्लब को बंद कर दिया था क्योंकि पंजाब पुलिस किसी मामले में उनकी तलाश कर रही थी। सचिन ने करीब 3 साल पहले बालाजी ग्रुप नाम से चलने वाले अपने रियल एस्टेट कारोबार को अपनी पत्नी को सौंप दिया था। सवाल ये है कि आखिर एक बिल्डर और डिस्को और बियर बार संचालक को महामंडलेश्वर कैसे बना दिया गया? सवाल खड़े किए जाने की ठोस वजह भी है। दरअसल अखाड़ों का महामंडलेश्वर बनना बेहद कठिन है। कोई भी सन्यासी ही महामंडलेश्वर बन सकता है। संन्यास लेने के बाद भी कम से कम 10 साल तक उसका उस अखाड़े से जुड़ा रहना जरूरी होता है। यही नहीं, उसका धर्मशास्त्रों का विद्वान होना भी जरूरी है। उसका विवादों से कोई नाता नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म के प्रति सच्चे समर्पण को परख कर ही किसी को महामंडलेश्वर की पदवी दी जाती है। अब सवाल ये है कि सचिन दत्ता उर्फ स्वामी सच्चिदानंद गिरी इतनी जल्दी महामंडलेश्वर बनने के पात्र कैसे बन गए? तो ऐसे लोग अगर साधु बन जाते हैं तो साधु समाज को ये एक ऐसी वो मतलब घृणा की दृष्टि से समाज देखने लगता है कि ऐसे ऐसे चोर लुचे लफंगे पाखंडी अगर साधु समाज बन गए तो सही साधु समाज का क्या होगा? मामला गरमाने के बाद अब अखाड़ा परिषद ने जांच की बात कही है। जांच का सबको इंतजार रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या सचिन दत्ता को संन्यास के बाद महामंडलेश्वर बनाने वालों ने उनके बारे में कोई पड़ताल नहीं की? क्या अखाड़ों से जुड़ी महामंडलेश्वर जैसी पदवी इतने हल्के ढंग से बांट दी जाती है? अगर ये आशंकाएं सच साबित हुई तो क्या ये सनातन धर्म और परंपराओं में आस्था रखने वालों के साथ धोखा नहीं है? हरिद्वार से धर्मेंद्र चौधरी और नोएडा से ललित मोहन के साथ संदीप कुमार तिवारी, इलाहाबाद इंडिया न्यूज। तो
तो वाकई कई बड़े और महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है ये घटना, और इसी पर आज हम जनगणमन में बहस कर रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजकुमार शास्त्री धर्मगुरु, श्री महंत नारायण गिरी मंत्री, श्री पंचदशानम जूना अखाड़ा, हमारे साथ महंत नवल किशोर दास महामंडलेश्वर निर्माणी अखाड़ा के जुड़े हुए स्टूडियो में। इसके अलावा हमारे साथ चक्रपाणी महाराज अध्यक्ष संत महासभा और आचार्य विवेक विराट मुद्गल धर्मगुरु भी जुड़ चुके हैं, और हमेशा की तरह आम जनता हमारे साथ है जिसके मन में भी कई सवाल हैं, जो इस मुद्दे पर अपने सवाल आगे रखना चाहती है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी महंत नवल किशोर दास जी। एक आम व्यक्ति जो जानता है, जो बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं है धर्म का, वो ये जानता है, वो इतना भर वो भी जानता है कि शंकराचार्य की विरासत को जो आगे बढ़ाएं महामंडलेश्वर, उनकी समाज में छवि अच्छी होनी चाहिए, कम से कम शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है 10 साल का कि अखाड़े से जुड़े होना चाहिए, तो ये समझ में नहीं आता कि इस तरह की घटनाएं फिर क्यों होती है। देखिए, जब किसी को महामंडलेश्वर जैसी गरिमामय पद दिया जाता है, उसकी ईश्वरीय निष्ठा, उसकी परंपरा, उसके जीवन में धार्मिकता कितनी है, अपनी आध्यात्मिकता के कारण उसने समाज को कितनी दिशा प्रदान की है, उसके अंदर साधुता क्या है, और अभी तक समाज को क्या दिया है, ये सब पर निर्णय होता है। और निर्णय करने के बाद ही महामंडलेश्वर का पद कोई सामान्य पद नहीं है, बहुत गरिमामय पद है, और जितनी जिम्मेदारी के साथ पद दिया जाता है उसका निर्वाह करने की भी परंपरा है कि समाज को क्या दिशा दे। जहां तक किसी के पूर्व समय की बात है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परिवार से निकलता है, उसकी निष्ठा परिपक्व है और गुरु परंपरा से जुड़ा है और समाज को आध्यात्मिक चेतना प्रदान कर सकता है। लेकिन क्या आध्यात्मिक चेतना सचिन दत्ता ने दी होगी? मैं किसी व्यक्ति की बारे की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि परंपरा की बात कर रहा हूँ। महामंडलेश्वर पद एक ऐसा पद है जो समाज को दिशा प्रदान करता है, और हमारे यहाँ कहा जाता है 12 वर्ष रहो साधु की टोली तब समझो जाकर एक बोली। 12 वर्ष तक जब एक व्यक्ति एक से कुंभ दूसरे कुंभ तक रहता है तब उसे पता लगता है साधुता है क्या, साधु बनता नहीं, साधुता है क्या। और ऐसी साधुता जब परिपक्वता को पूर्ण प्राप्त हो जाती है, निष्ठा परिपक्व हो जाती है, जब लगता है कि तप और त्याग से व्यक्ति ओतप्रोत हो चुका है, तब ऐसे महान पदों से उसे अवसिक्त किया जाता है कि अब इस व्यक्ति समाज को अपनी साधुता के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी सहजता धर्म परायणता के द्वारा स्वयं तो भरा है, दूसरे का मार्गदर्शन कर सकेगा। तब ऐसे व्यक्ति को किसी को महानता का पद दिया जाता है, तभी देना भी चाहिए। श्री महंत नारायण गिरी, यहाँ पर तप और त्याग कहाँ नजर आता है इस मामले में? देखिए, विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति की तुलना जो है उसके काम से नहीं की जा सकती, उसमें हर एक व्यक्ति में परिवर्तन आता है। जैसे कि हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी बोला है, कवि, राष्ट्रीय कवि जी ने, कि एक पापी का भी भविष्य होता है और एक साधु का अतीत होता है। तो ऐसा कभी भी व्यक्ति के अंदर में परिवर्तन आ सकता है और परिवर्तन होकर वो संत साधु बन सकता है। और ये जो अखाड़ों की परंपरा है, हमारी जो परंपरा है, उसको मंडलेश्वर भी बनाने के लिए, और ये 10 साल से करीब जो इनके गुरु बने हैं उनके साथ से 10 साल से उसका संपर्क था, उसके साथ रहते थे, और अभी उसके अंदर में कोई परिवर्तन आया है कि साधु बनने के बाद ऐसा कर्म नहीं करना, तो उसके लिए जो है उसने कुछ सब कुछ छोड़ के और उसके बाद संन्यास लिया है, तो उसके बाद निश्चित रूप से आपको मानना चाहिए कि आगे जाके वो धर्म का प्रचार भी करेगा। संन्यास लेते ही महामंडलेश्वर बन गए, ये जो है परंपरा ऐसा होता है कि वो तो अखाड़े के निर्णय को प्रभावित करता है। किशोर जी ने कहा कि 12 साल तक साधुओं की टोली के साथ रहो तो आप उनकी बोली समझने लगते हो महज। जी जी। आपने इतने कम अवसर में महामंडलेश्वर बन गए आप? नहीं, वो 10 साल से तो करीब उनके साथ में रहते ही है, महाराज जी के साथ में रहते थे, कैलाश जी के साथ में भी रहा, और जो है 3 साल पहले तक वो अपना बिल्डर और बियर बार वाला काम भी करते थे, बीच में काम करते थे, उसमें 3 साल से तो एकदम बिल्कुल इन्होंने छोड़ दिया है, कोई काम भी नहीं करते, वो पूर्ण रूप से साधुओं के साथ में ही है। और उसके बारे में पूरा जो हमारे कोई जानकारी नहीं है, वो कहाँ रहते क्या, मेरे पर्चे भी नहीं है, मेरा कोई पहचान भी नहीं है, परंतु हमारे परंपरा में ऐसा होता है कि एक दिन का आके भी संत कोई सिद्ध बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसको मंडलेश्वर बनाने का ऐसा विधि है कि वो उनके सब कुछ छोड़ने के बाद संकल्प ले, तो उसके गुरु के ऊपर निर्धारित होता है कि गुरु जो है उसका कब उसको बनावे। एक दिन के अंदर संत बन सकते हैं, लेकिन महामंडलेश्वर, आप इस बात से सहमत हैं आचार्य जी? देखिए, मेरे भाई नवल किशोर जी ने जो बात कही है, तो मैं अपने नवल किशोर जी को कहूंगा कि वो साहित्य दर्पण जो ग्रंथ है उसका अध्ययन अवश्य करें। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैच छन्यम कला सुचा, यह साहित्य दर्पण का सूत्र है कि मनुष्य के जीवन में जब से वह जन्म लेता है, वो सबसे पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये सभी 4 वर्णों में मनुष्य का जीवन बना हुआ है। तो अगर उन्होंने सन्यास ले लिया है तो इसमें सन्यास किसी को देने की आवश्यकता नहीं होती है, सन्यास एक अंदर की भावना होती है।
भगवान शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी ने 8 वर्ष में सन्यास लिया था, उनको का कोई गुरु नहीं था, किसी ने अगर उनको कहा नहीं कि आप सन्यास ले लीजिए। तो इस प्रकार से जिस प्रकार आपने सच्चिदानंद जी की बात करी, इनकी तो उम्र बहुत हो गई है और काफी दिनों से सत्संग में है, यह एक अंदर की भावना है कि बहुत राजा खटवांग ने अपने जीवन के अंतिम समय में 52 मिनट में सन्यास लिया था। तो इस प्रकार से शास्त्र प्रमाण है, खटवांग का चरित्र उठाकर देखें या भगवान आदि शंकराचार्य जी का चरित्र उठा करके देखें, इसलिए सन्यास की कोई उम्र या कोई प्रेरणा नहीं होती है, मनुष्य के अंतःकरण की प्रेरणा होती है। अगर उन्होंने सन्यास ले लिया है और सन्यास के बाद संत मंडली ने उनको एक जीवन की जिम्मेदारी दिया, हाँ इसमें एक बात अवश्य है कि सन्यास लेने के बाद जो सन्यास के नियम है उन नियमों का पालन अवश्य होना चाहिए। इससे पहले जीवन में क्या हुआ है उसका परिमार्जन करने के लिए, उसका प्रयासित करने के लिए ही सन्यास होता है, लेकिन सन्यास लेने के बाद पुनरावृत्ति उन गलतियों की नहीं होनी चाहिए जो जीवन में पहले हो चुके हैं। पहले जो जीवन में गलतियां हों उनका परिमार्जन हो जाए, उनका प्रयाश्चित हो जाए और यह मानव जीवन शुद्धता पूर्वक अपने जीवन को अंतिम समय में त्याग सके, इसीलिए सन्यास दिया जाता है। बिल्कुल सच्चिदानंद जी ने ठीक किया और मैं तो धन्यवाद देता हूं उस अंजनी अखाड़े को जिन्होंने उनको प्रेरणा दे करके और सन्यास दिया है। अगर ऐसा है तो फिर अखाड़ा परिषद जांच की बात क्यों कर रहा है? मैं आप सभी के पास ये सवाल के साथ लौटूंगी, लेकिन पहले मैं चलूंगी बाहर से, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं आचार्य विवेक विराट मुद्गल और चक्रपाणि महाराज। आचार्य मुद्गल, एक दिन में भी कोई संत हो सकता है, लेकिन महामंडलेश्वर, खासतौर से अगर आपका पेशा कुछ ही समय पहले शराब से जुड़ा हुआ हो और आप बिल्डर रहे हो। देखिए, अगर किसी इंसान का पेशा अगर शराब से या किसी गलत चीज से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उसके अंदर वो नफरत, वो त्याग की भावना आ गई कि मैंने कहीं ना कहीं जीवन में कुछ गलत किया है और उस गलत करने के प्रायश्चित के लिए उन्होंने सन्यास को धारण कर लिया। यहां तो हमारे यहां प्राचीन परंपरा रही है, वाल्मीकि रामायण जिन्होंने लिखी, वालिया भील उनका असली नाम था, जब उनको भगवान का आशीर्वाद मिला तो उन्होंने एक ऐसे ग्रंथ की रचना कर दी जिसको हम आज भी पूजते हैं। इसके अलावा उंगली मार, जिसको सभी लोग डाकू के नाम से जानते थे, और उसने सिर्फ अपने गुरुकुल में अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक डाकू का रूप धारण कर लिया, ऐसे कई उदाहरण हमारे शास्त्रों ग्रंथों में हैं। और बहुत जल्दी ही अगर आपको की घटना बताता हूं, एक कोई प्लास्टिक किंग भंवरलाल है जिन्होंने सब कुछ त्याग करके करोड़ों अरबों रुपया नौछावर करके संन्यास ले लिया, और दूर क्यों जाए मीडिया से ही जुड़े हुए एक टीवी एंकर हुए हैं किसी के, उन्होंने संन्यास ले लिया और बहुत जल्दी उनको महामंडलेश्वर की उपाधि भी मिल गई, उसके लिए किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला। तो महामंडलेश्वर की उपाधि मिलना और संन्यास लेना, अगर किसी के अंदर त्याग की भावना, संन्यास का मतलब क्या है, संन्यास का अर्थ ही त्याग से है, तपस्या से है, साधना से है। अगर किसी के इंसान के मन में त्याग और तपस्या और साधना के प्रति भाव आया है तो ये तो साधुवाद के पात्र हैं, वो अखाड़ा साधुवाद का पात्र। ठीक है, तो ठीक है, मैं समझ गई मैं आपकी बात, मैं आप समझ गई आपकी बात, लेकिन चक्रपाणि महाराज चल रहे थे, चक्रपाणि महाराज पे चल रहे थे उनको इस तरह, चक्रपाणि महाराज ठीक है, आप सन्यासी हो गए, आपने सब कुछ त्याग दिया, आपने अपना पेशा छोड़ दिया, आपका बैकग्राउंड आपने छोड़ दिया, आप सन्यासी हो गए, लेकिन आप एकदम से महामंडलेश्वर कैसे बन गए? ये तो बहुत मानद उपाधि है ना, बहुत बड़ी उपाधि है। नहीं देखिए, अखाड़े अपने अनुसार बनाता है, और अभी आपने जिस प्रकार से बताया कि उनके जो गुरु थे वो गुरु के सानिध्य में 10 वर्षों तक रहे हैं, तो वो अपने तरीके से उन्होंने बनाया होगा अपने केटरिया पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोग से योग की तरफ ही आने का मार्ग है, योग से भोग की तरफ नहीं जाता व्यक्ति। अगर जो हर सन्यासी का कोई ना कोई अतीत रहा है और रहता है, अगर जो इस तरफ देखा जाए, हमारे काफी इतिहास ऐसे रहे हैं कि जो काफी चोर और डकैती का काम करने वाले बाद में जब अध्यात्म के क्षेत्र में आए तो बहुत उन्होंने कार्य किया, आध्यात्मिक कार्य किया। कई ऐसे महिलाएं थी जो वेश्याओं का कार्य से जुड़ी हुई थी, लेकिन वो जब अध्यात्म के मार्ग पे आई तो उन्होंने सनातन धर्म को बहुत ऊंचे स्थान पे ले गई और उनको सब दुनिया जानता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसको नहीं जोड़ा जा सकता कि व्यक्ति शराब बेच रहा है या कोई गलत, शराब तो सरकारें बिकवा रही है, मांस तो सरकारें बिकवा रही है, तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। अब तो ये छोड़ करके संन्यास में चले गए, यानी चक्रपाणि जी, स्वागत चक्रपाणि जी,
ठीक है, स्वागत होना चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि महामंडलेश्वर बनने के लिए जो नियम है, जो नियमावली है, जो शास्त्रों का ज्ञान और तमाम चीजें, ये आप इन चीजों को कहाँ तक दरकिनार करेंगे आप? देखिए ऐसा है शीतल जी, बड़ी आप सीधी सी आप समझ लीजिए कि आप जिस प्रकार से महामंडलेश्वर में प्रश्न उठा रही हैं, नेता का मतलब है सार्वजनिक रूप से सबको जोड़ना आज लोकतंत्र में, लेकिन आप ये देखिए कि वो ऐसी है जो सांसद है और वो पूरी तरह समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा, लेकिन अगर जो हमारे अध्यात्म में कोई आ रहा है अगर उसको सम्मानित दिया जा रहा है और करने के बाद वो अभी वर्तमान में कुछ नहीं गलत कर रहे, अब उसी में प्रश्नवाचक आप उठाएंगी तो हमें लगता है कि और भी जो हमारे अध्यात्म क्षेत्र में जो हमारे सनातन धर्म को बढ़ाने वाले हैं, हमें लगता है एक षड्यंत्र है, उसको रोकने का एक उपाय ये किया गया है ताकि इसी पे प्रश्नवाचक कर दिया जाए ताकि और कोई संन्यास परंपरा में आए नहीं, तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से इसको सम्मानित करना चाहिए और ऐसे लोग जो लोग आए, क्योंकि हमारी देखिए हमारी जितने संत समाज है शराबबंदी पे अभियान चालू कर रहा है, जीव हत्या पे गौ हत्या रोकने के लिए आंदोलन कर रहा है, उसमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो शराब बेच रहे होंगे, वो अनुभव देंगे कि सरकार से ऐसे रुकवाया जा सकता है, गौ हत्या ऐसे बंद कराई जा सकती है, तो निश्चित रूप से इनके अनुभव का लाभ लेगा, गौ हत्या रोकने के लिए आंदोलन कर रहा है, उसमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो शराब बेच रहे होंगे, वो अनुभव देंगे कि सरकार से ऐसे रुकवाया जा सकता है, गौ हत्या ऐसे बंद कराई जा सकती है, तो निश्चित रूप से इनके अनुभव का लाभ लेगा। ठीक है, ठीक है महंत नवल किशोर दास, ठीक है आपकी बात समझे हम, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर ये सब कुछ इतना सही है तो फिर अखाड़ा परिषद अब जांच की बात क्यों कर रहा है? देखिए मेरा एक तो बात, आपने प्रश्न किया था मेरे से, बाद में राजेंद्र जी ने उसका प्रतिपादन किया, मैं किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं तो परंपरागत बात कर रहा हूँ कि किसी को जब गरिमा दी जाती है तो उसकी पात्रता देखी जाती है, और जिन्होंने दिया है चाहे उनके गुरु जी है या संबंधित अखाड़ा है, निसंदेह उनके अंदर कुछ जो पात्रता देखी होगी, क्योंकि निर्णय उनको करना है। अब अखाड़ा परिषद ने कहा है कि हम उनका पुनर्निरीक्षण करेंगे, तो ये तो पहले निर्णय जो हुआ होगा उनकी सहमति से हुआ होगा, अब निरीक्षण की बात क्या है तो मुझे पता नहीं, परंतु मेरा तो कहने के लिए इतना है कि कोई भी साधु होता है सामान्य, महामंडलेश्वर साधु सामान्य होता है, सामान्य व्यक्ति की या जनता की इच्छा होती है कि हमारा एक मार्गदर्शन करें, उस स्थिति पर आप हैं तो वंदनीय है, क्योंकि साधु का आचरण पूजा जाता है, व्यक्ति का चरण नहीं, उसका आचरण कितना पवित्र है, हम समाज का कितना मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिस समाज से हम जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, चाहे राजनीति क्षेत्र से जुड़े हैं, कहीं आप जुड़े हैं, उस क्षेत्र में कितना आप गहनता से गए हैं, आपकी गहनता क्या है, दूसरे को आप अनुमुखी वृत्ति के अनुसार कितना उसको उतार सकते हैं, जिस क्षेत्र में आप उतरे हैं वो गहनता बहुत आवश्यक है, वो गहनता आपके अंदर है, परिपक्वता है, निष्ठा है और गुरु निष्ठा है, और जिस परंपरा से आप जुड़े हैं उसकी गहनता है तो वंदन के पात्र हैं, यदि नहीं जुड़े हैं कि अभाव है तो उसको पूर्ण करना चाहिए। ठीक है, आचरण की बात आपने कही, आचरण पवित्र होना चाहिए, तो श्रीमान नारायण गिरी एक बैकग्राउंड भी तो काउंट करती है ना, मैटर करती है। नहीं देखिए कि आपने ये विशेष करके नवल किशोरदास जी महाराज ने कहा, अखाड़ों का एक जो है इकाई स्वतंत्र इकाई होती है, हर अखाड़े की अपनी स्वतंत्र इकाई होती है और वो अपने निर्णय लेने के सक्षम है, कोई भी अपना निर्णय लेने के लिए वो सक्षम होता है, और एक मंडलेश्वर जो बनाया जाता है, जैसे किसी भी आश्रम में 10-20 जो विद्यार्थी है उनका पालन पोषण करे, उनको अध्यात्म ज्ञान देवे और उनके एक मंडली का ईश्वर बनाया, तो एक मंडली जो है भाई इसका प्रतिनिधि के रूप में इतने लोगों की जिम्मेदारी इसके ऊपर दी जाती है, तो ये सारे गुण उनमें देखा जाता है भाई, सभी तरह से सक्षम होने के बाद में, उसके बाद में जब सक्षम होता है तो फिर आचरण भी देखा जाता है कि भाई ये जो है जो भी पृष्ठभूमि उसके पीछे में क्या थी क्या नहीं उसको छोड़कर वर्तमान में ये जो है कैसा है उसका निरीक्षण करते हैं, अखाड़े वाले भी उनके ऊपर में भी मंडलेश्वर रहते हैं, आचार्य भी है, एक के ऊपर एक दूसरे लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, हर तरह से उसको निगरानी में रख के वो कार्य को लिया जाता है। लेकिन फिर इस तरह के विवाद क्यों उठते हैं, इस तरह की बातें क्यों उठती है कि पैसे का धन का जबरदस्त अब देखिए मार्दन क्या पर किया जाता है, तो धर्म प्रधान अर्थ प्रधान नहीं हुआ, नहीं नहीं मैं ये जानना चाह रही हूँ आचार्य राजकुमार शास्त्री, अर्थ का तो मतलब ही नहीं वहाँ पर, अर्थ के पद के लिए धन का इस्तेमाल, ऐसे भी खबरें आई है, ऐसी भी बातें उठी, नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए क्या है कि जब मनुष्य सदमार्ग में चलता है तो सदमार्ग में अनेकों प्रकार के विघ्न बाधाएं आती हैं और उसमें सबसे पहला जो बाधा है वो निंदा है, तो मनुष्य का की जब निंदा होती है तो उसके पूर्व पापों का प्रायश्चित हो जाता है, तो इसलिए जितनी जो आपने सच्चिदानंद जी को जिनको महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है इनकी निंदा करने से, इन्होंने जो पहले अनेक प्रकार के जो शास्त्र विरुद्ध कार्य, जैसे आपने कहा मदिरा का व्यापार करते थे और जो भी करते थे, ये सभी वेद विरुद्ध व्यापार हैं और ऐसे व्यापारों के करने का जो दोष है वो उनका प्रायश्चित हो जाएगा और उनकी शुद्धि जो है हो जाएगी,
अपने आप निंदा करने से इसलिए लिखा है कि निंदक नियरे राखिए आगन कुटी छवाए बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सवाए। जहां आपने धन की बात करी, धर्म मार्ग में ऐसा धन का कोई स्थान नहीं है कि धन देकर के किसी को महामंडलेश्वर बना दिया जाए या धन देकर के किसी को सन्यासी बना दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मनुष्य का अंतःकरण स्वयं सन्यास की तो ओर जो है आकृष्ट करता है, प्रेरित करता है कि मुझे सन्यास लेना चाहिए। मैंने जीवन में जो कुछ भी जिसके लिए मानव शरीर प्राप्त हुआ, ये मैंने बहुत विलंब कर दिया इस सभी को करने के लिए। दुर्लभो मानुषो देहो की यह बात श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंध में कही गई है कि यह मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है और साधनाओं को करके इस मानव जीवन को सफल करना चाहिए। तो जब मनुष्य की अंतःकरण इस बात को गवाह नहीं देता कि मैंने अपना कितना समय संसार के व्यर्थ कार्यों में बर्बाद कर दिया है, अब मुझे अपने जीवन को अंतिम क्षण को सुधारना चाहिए, तो ऐसा जब मनुष्य का अंतःकरण प्रेरित करता है तभी वो धर्म मार्ग की ओर अग्रसर होता है। वहाँ धन आदि का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, स्थान नहीं है लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं। मैं फिर एक बार चलूंगी आचार्य विवेक विराट मुद्गल के पास। तो आचार्य मुद्गल, ये माने कि कल को कोई भी महामंडलेश्वर बन सकता है, कोई भी, चाहे उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप उसको महामंडलेश्वर मान लेंगे, समझ लेंगे? देखिए, अगर अखाड़ा परिषद और जो महाराज जी ने उनको महामंडलेश्वर की उपाधि दी है, अगर वो किसी भी, जैसा कि आप कह रहे हैं, किसी को भी महामंडलेश्वर की उपाधि दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर त्याग और तपस्या और नजर आएगी, तभी तो महामंडलेश्वर की या सन्यास की तरफ वो आएंगे ना। अगर सन्यास का मतलब, जैसे कि सब लोग अगर नहीं जानेंगे और सन्यास का अर्थ नहीं जानते और महामंडलेश्वर की उपाधि वो कैसे देंगे, तो कहीं ना कहीं उनको अपने शिष्य में वो तपस्या, वो साधना और वो ज्ञान नजर आएगा, तभी वो महामंडलेश्वर की उपाधि देंगे। और अगर वो महामंडलेश्वर की उपाधि दे रहे हैं तो उसमें हमें मानने में कोई मुश्किल नहीं है, हम उसको बिल्कुल सर माथे पे मानेंगे। और उसकी निंदा करना भी ठीक नहीं है, निंदा करने से एक तो वो अच्छा कार्य कर रहा है और दूसरा उसको हम निंदा कर रहे हैं। हाँ, अगर वो शराब बेच रहा है तो निंदा के लायक है ना। अगर वो शराब ना बेचते हुए साधु बन रहा है, सन्यासी बन रहा है, तो वो तो साधुवाद का पात्र है। ऐसे आदमी को तो अपने गले से लगाना चाहिए, उसकी निंदा करना तो बिल्कुल निरर्थक है। जो अगर सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उसको भूला नहीं कहा जाता है। तो जो सन्यास है वो त्याग और तपस्या को दिखाता है। बड़े बड़े साधु महात्मा संत है जिनके अंदर त्याग और तपस्या तो कहीं नजर आते ही नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में, महलों में वो रहते हैं, तो फिर उसके ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई जाती? वो तो राजपाट और अपना सब व्यापार छोड़ के आया है। तो ऐसे लोगों को तो साधुवाद मिलना चाहिए। लेकिन लोगों को, लेकिन चक्रपाणि महाराज एक 10 साल का जो मिनिमम, 10 साल का एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप 10 साल तक सन्यासी बने रहें, इनके बारे में ये कहा जाता है कि कुछ साल पहले तक अपना ये व्यापार करते थे, कुछ ही समय पहले तक अपना बियर बार का और बिल्डर का काम जो था वो करते थे, तो फिर वो जो कंडीशन है वो कहाँ पूरी होती है? देखो, ये गुरु का दायित्व होता है और गुरु ये समझता है कि ये शिष्य वास्तविक रूप में इसका हृदय परिवर्तन हो चुका है और ये अध्यात्म के क्षेत्र में आना चाहता है और ये वैराग्य इसके अंदर आ चुका है, तब वो जाकर के मंत्र देता है। मनना त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से उसकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है और वो अपनी धर्म को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो गुरु का दायित्व होता है, तो उनके गुरु ने निश्चित रूप से इस बात को समझा होगा, देखा होगा, और वो जब भी देख ले, 10 साल तो चलो एक अभ्यास के लिए बताया गया है, लेकिन अब जैसे महाराज जी ने भी बताया, अगर वो महसूस कर लेता है 10 सेकंड में कि नहीं, इसके अंदर योग्यता है और आ चुकी है, हृदय परिवर्तन हो चुका है और हम मनुष्य मात्र के लिए और परमात्मा के लिए ये कार्य करेगा और ये और चूंकि हमारे यहां त्रिविध विज्ञान पर आधारित है सनातन धर्म, पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान और तीसरा ब्रह्म विज्ञान, जो ब्रह्म से साक्षात्कार कराता है, ब्रह्म का ज्ञान कराता है, हम क्यों आए हैं, कहां जाना है, इस चीज का ज्ञान कराता है, तो उसलिए मंत्र दिया जाता है उसको। तो उसके बाद गुरु कभी भी मंत्र देकर के उसको दीक्षित करके और उसको आत्मिक क्षेत्र में उतार सकता है। अब उसको ये देखना काम नहीं, ये तो भौतिक जो दुनियावी लोग हैं, जो उसके प्रतिद्वंदी है, वो देखना उनका काम है कि ये तो ये कर रहा था, छोटी छोटी बातें वो निकाल के लाएंगे। आप हर साधु का देखिए, किसी का अतीत रहा, किसी का दूसरा नाम रहा है। आज मैं स्वामी चक्रपाणि हूं, मेरा पहले नाम कुछ और था, तो सवाल है कि नाम उसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे इनका नाम सचिन था, सचिदानंद हो गया। सचिदानंद अगर शराब बेचते हैं तो अपराध होगा, सचिदानंद अगर कोई जीव हत्या करते तो अपराध होगा, लेकिन सचिन अगर जो शराब बेचते थे तो कोई मतलब नहीं।
आप तो देखो, एक सचिन तो प्लेयर है, क्रिकेटर है, उसको तक भगवान की उपाधि लोग दे देते हैं, तो उस पर तो कोई कमेंट नहीं करता कि भगवान कैसे बना दिया भाई, क्रिकेट का भगवान शब्द उसके साथ जोड़ दिया जाता है। चलिए 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 चलिए, ठीक है, ब्रेक के बाद आप पूछिएगा। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त है और ब्रेक के बाद जनता के सवाल होंगे इस मसले पर तमाम हमारे पैनलिस्ट से। आप देखते रहिए जनगणमन। तो पहले बियर बार कारोबारी और बिल्डर रह चुके शख्स को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन तमाम जो पैनलिस्ट यहां पर मौजूद हैं संत समाज, उनका कहना है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई भी व्यक्ति एक दिन के अंदर भी संत हो सकता है। लेकिन जनता क्या इस बात से सहमत है या उसके मन में अभी भी कुछ सवाल है, ये हम जानेंगे। सबसे पहला सवाल आप। मैं सुनील सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। जब भी पैनल में सारे जो हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, चाहे हमारे संत जो बैठे हुए हैं, उसमें जो नवल किशोर जी ने जो बात रखी है उनके बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जो साधु की जो उन्होंने पद अपना महामंडलेश्वर का जो पद उन्होंने संभाला है उस पे इतराज है, न कि उनको साधु बनने पे इतराज है। सवाल क्या है आप? सवाल हमारा यह है कि और किससे सवाल पूछ सवाल यहाँ पे जितने पैनल के बैठे हुए हैं हमारे नवल किशोर जी को छोड़ के, इन सबसे है कि इन्होंने ऐसी क्या देख लिया इनमें कि महामंडलेश्वर के उनको पद मिलने के बावजूद उनको सावसी दे रहे हैं? क्या ऐसी उन्होंने काम किया कि उनके गुरु महाराज ने उनको तुरंत उपाधि दे दी है, और जो उनके साथ रात दिन एक साथ काम कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको उन्होंने दर्जदार कर दिया? और जो आदमी अपना बिजनेस बियर बार का और भी कई ऐसे है जो मतलब समाज के लिए अच्छा नहीं होता है, वो उससे बुरी दृष्टि से देखा जाता है कि बिजनेस है, बिजनेस अपना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें डायरेक्ट उन्होंने उस उपाधि को सौंप दी। मुझे तो जो बनाया है जो महामंडलेश्वर ने उनको उपाधि दी है गुरु ने, हमें तो गुरु पे ही शक है कि उन्होंने ऐसा कैसे उन्होंने कैसे कर दिया ये सवाल। बिजनेस अपना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें डायरेक्ट उन्होंने उस उपाधि को सौंप दी। मुझे तो जो बनाया है जो महामंडलेश्वर ने उनको उपाधि दी है गुरु ने, हमें तो गुरु पे ही शक है कि उन्होंने ऐसा कैसे उन्होंने कैसे कर दिया ये सवाल। आपको यह मालूम होना चाहिए कि उनका ये जो शराब आदि का व्यापार है, ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है, यह वेद विरुद्ध व्यापार है। मांस और शराब का व्यापार करने का अधिकार इस पृथ्वी पर रहने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी को भी नहीं है। लेकिन जहां पर आपने व्यापार की बात करी और उनके गुरु ने, गुरु पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु का अर्थ होता है जो ज्ञान को देता है या मंत्र का जो ज्ञान देता है। अखाड़े में बहुत सारे काम होते हैं, तो जो सच्चिदानंद जी को महामंडलेश्वर बनाया गया है तो यह जरूरी नहीं है कि उनको व्यास गद्दी पर बैठने वाला काम ही दिया जाएगा। अखाड़े में और भी बहुत सारे कार्य हैं जो उनके जिम्मेदारी पर दिया जाएगा। और जहां आपने शराब के व्यापार की बात करी, वो सच्चिदानंद जी ने नहीं किया, उनके वंशज जो परिवार के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, उन्होंने किया है। मनुष्य इस संसार में अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है, परिवार के द्वारा किए गए कर्म का पुण्य और पाप का फल नहीं भोगता। कलयुग में, अन्य युगों में परिवार के द्वारा किए गए पुण्य और पाप का फल भोगता था, कलयुग में अपने द्वारा किए हुए कर्म का फल भोगता है। सच्चिदानंद जी काफी समय से सत्संग में है और काफी समय से उनका जीवन सत्संग में था, इसी कारण से उनके अंतःकरण में सन्यास की प्रेरणा हुई, अन्यथा उनके गुरु क्या कोई दुनिया में किसी को सन्यास नहीं दे सकता? आपको तो आज तक किसी ने सन्यास नहीं दिया और न आज तक आप सन्यासी बन सके। चलिए दूसरा सवाल जी। मेरा सवाल चक्रपाणी जी से। आपका सवाल है चक्रपाणी जी से जी। सर मेरा सवाल ये है कि अगर उनको महामंडलेश्वर बना दिया गया तो अखाड़े की तरफ से दोबारा उन पर इंक्वायरी के लिए क्यों बोला जा रहा है? बिल्कुल सवाल चक्रपाणी जी की, अगर कोई किसी को आपत्ति नहीं, सब बिल्कुल सही है, तो फिर क्यों जांच की गुंजाइश रह जाती है? यही संतों की और अखाड़े की विराटता का एक परिचय है कि देखो, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, यद्यपि उन्होंने सन्यास दे दिया, महामंडलेश्वर बना दिया, वो लोग समझ करके ये अब ये आध्यात्मिक क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने जब प्रश्न उठाया तो उसके लिए भी देखो हमारे सनातन धर्म कितना ये बड़प्पन का परिचय देता है कि पूरा उन्होंने जांच के लिए भी वो कर दिया कि ठीक है मैं इसकी भी जांच कर दिया। हमारे यहां तो अग्नि परीक्षा होती है, तो सवाल इस बात का, यही सनातन धर्म की विराटता है कि चाहे आपने कितना भी कोई गलत कार्य किया, अगर जो आप भोग से योग की तरफ आ रहे हो तो गले लगाने की हमारे यहां व्यवस्था है, अगर जो प्रश्नवाचक उठाते हो हम पे तो हम अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार है, यही हमारी सनातन धर्म की विराटता है। और जो इन लोगों ने किया है, अखाड़े के लोगों ने, और अच्छी बात है, ये होना चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो अखाड़े के दिमाग में भी है, सवाल का मतलब यही था।
नहीं, आप ये देखिए, कभी भी अग्नि परीक्षा शीतल जी होती है तो इसलिए नहीं होती है कि हमें कंफ्यूजन है, आपकी कंफ्यूजन दूर हो इसलिए भी परीक्षा कराई जाती है कि ठीक है आपको संतुष्टि के लिए हम कर देते हैं कि वास्तव में जिसको मैंने शिष्य बनाई है बनाया है और जिसको महामंडलेश्वर बनाया वास्तव में क्या अभी भी इन कार्यों से लिप्त है, तो निश्चित रूप से उसकी जांच करा के जब आपके सामने आएगा तो हो जाएगा फैसला। तो आपके संतुष्टि के लिए, वो तो संतुष्ट है इसीलिए संन्यास की दीक्षा दिया और पुनः महामंडलेश्वर बना दिया, तो इसलिए आपकी संतुष्टि के लिए जांच का उन्होंने किया होगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल आप उन्हें माइक दे दीजिए प्लीज, और किससे पूछना चाहते हैं बता दीजिए। पहले चक्रवाणी से पूछ लेते हैं। ये जो इंक्वायरी करने जा रहे हैं उसमें एक तथ्य अभी चर्चा से पता लगा कि उनके खिलाफ कोई केस भी पेंडिंग है, और क्या ये भी एक तरीका है कि उस केस से, पेंडिंग केस से बचने के लिए नाम बदल करके महामंडलेश्वर बनकर के पूरा का पूरा वो अपना आश्रय लेना चाहते हैं क्या? और एक ये है कि जो महामंडलेश्वर बनाते हैं तो क्या एक ही गुरु बना देता है और उसके बाद में फिर आप अखाड़ा वाले उसको सहमति देते हैं और आपके पास कोई नियम, कोई ट्रस्ट बना हुआ है जिसके आधार पर आप, नियमावली के आधार पर आप महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया करते हो? ठीक है चक्रपाणी जी, सवाल है आपके लिए। देखिए ऐसा है, वर्तमान में तो स्थिति ऐसी है कि कोई साधु बनता है तो सैकड़ों केस लग जाते हैं, अगर केस समाप्त करने के लिए अगर जाना होता तो लोग राजनीति में जाते हैं, विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं और केस खत्म करा लेते हैं। लेकिन यहां तो आप ये देखो कि इतनी विषम परिस्थिति चल रही है, आज टीवी चैनल सभी संतों के विपरीत अधिकतर दिखाती है खबरें, और उसमें कोई संन्यास आकर के लेता है तो निश्चित रूप से बहुत साहस का काम करता है, क्योंकि आज हर जगह बाबाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता, बाबाओं को ही उसको विवादित करके दिखाया जाता है। अब आप देखो सचिन से सचिदानंद बने, ये विवादित हो गए, लेकिन सचिन को आपने भगवान बना दिया, उसको आप लोगों ने स्वयं भगवान बना दिया, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। तो सवाल इस बात का है कि सनातन धर्म में आज संतों पे प्रश्न उठाया जा रहा है और उन परिस्थितियों में कोई संन्यास ले रहा है तो निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक व्यक्ति है और वो साहस का काम किया है, और ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि सनातन धर्म को आगे लेकर जाएगा और अच्छे काम करेगा, रक्षा का काम करेगा, जीव हत्या के खिलाफ काम करेगा और शराब बर्दी भी कराएगा, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग समाज के लिए उपयोगी होंगे। चलिए अगला, सबसे बड़ा खतरा हिंदू धर्म पर है तो हिंदू धर्म की रक्षा भी करेगा। ठीक है अगला सवाल। देखिए मुझे तो किससे पूछना चाह रहे हैं आप? प्रश्नकर्ताओं से प्रश्न है। हाँ, जिन्होंने अब तक प्रश्न किए हैं उनसे मेरा प्रश्न है, ये कहते हुए कि अस्ति चरमम देहसम तामे जैसी प्रीत, अस जो होते श्री राम में होत न तो भयभीत, ये रत्नावली ने कहा। सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा बहुत कम समय में पास करी और छोड़ दिया। अंगुलीमाल का जिक्र आया, तो हृदय परिवर्तन अगर हुआ है और महामंडलेश्वर बनाया गया है तो किसी के पेट में दर्द क्यों? उन प्रश्नकर्ताओं से मैं पूछता हूं जो ये प्रश्न कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति योग्य है, भगवान राम को देखिए, भगवान कृष्ण को देखिए, हरिश्चंद्र को देखिए, बहुत कम समय, अल्प समय में उन योग्यताओं को उन्होंने प्राप्त कर लिया जो आप बहुत लोग मरते दम तक नहीं प्राप्त कर। चलिए आपकी राय आपने पेश कर दी, अब सवाल अगर किसी के पास हो तो कृपया सवाल पूछे, लेकिन सवाल पूछे। मेरा ये प्रश्न है कि हमने एक आश्रम एक साधु महात्मा को दिया था और वो उस आश्रम को अपना ही बना बैठे हो, अगर इन्होंने गलती की द्वारा तो क्या इनको हटाया जाएगा? हाँ, ये परंपरा है जी। नहीं, अखाड़े में नियम होता है, जब अखाड़े का मंडलेश्वर नहीं, आपको एक आश्रम का महंत बनाया जाता है, वहां भी लिखा जाता है कि आप कोई अनैच्छिक काम करेंगे या आप देश के परंपरा के खिलाफ काम करेंगे, ऐसा कोई कार्य करेंगे जो अध्यात्म को कोई धक्का लगेगा, कलंकित किया जाएगा, तो जो समाज आपको आज सम्मान दे रहा है वही समाज कल आपको इसे बाहर कर देगा, ऐसा लिखा जाता है संत। और आपको उदाहरण के रूप में मालूम होना चाहिए, भारत माता मंदिर के जो महंत थे, जब वह एक बार विदेश यात्रा गए, शंकराचार्य पद से उनको तुरंत हटा दिया गया था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। एक मिनट नहीं लगता यहाँ, पार्लियामेंट नहीं है कि पार्लियामेंट चले चाहे ना चले, करोड़ रुपए देश का खराब हो जाए, मंत्री को हटाया नहीं जाएगा, यहाँ उंगली उठे और एक सेकंड तक हटाने का निवेदन करेंगे जिनको बनाया गया है, प्रायश्चित करते हुए जो भी पूर्व में रहा हो भगवान करे समाज को एक नई दिशा प्रदान करें, और पूर्ण रूप से अध्यात्मक में आश्वस्त होकर के समाज की अध्यात्म चेतना को जागृत करें। पूर्व संस्कृति जैसे हमारे का नाम सबका बदला जाता है, कोई भी संत बनता है उसका नाम बदल जाता है, गोत्र बदल जाता है, उसका परिवार बदल जाता है। हमारे यहाँ पूजा जाता है आप किस परिवार के साधु हैं, तो जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है वो परिवार नहीं बताया जाता, हमारे यहाँ साधु का अलग परिवार हो जाता है, अलग गोत्र हो जाता है और नाम भी बदल जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, नाम के साथ काम बदल जाता है,
गति और मति भी बदलना चाहिए और समाज को नई दिशा देने की जो एक नई जिम्मेदारी अखाड़े ने दी है उसको अच्छर से उनको निर्वाह करना चाहिए। ठीक है, उन महात्माओं ने बिल्कुल छोड़ा ही नहीं, खूब जोर लगा लिया, कोर्ट में केस चला, फिर भी कहते नहीं मेरा मेरा आइए यहाँ तक साधु महात्मा भी इकट्ठे हुए, उनको समझाया फिर भी नहीं। स्थानीय सवाल जो पूछना चाहते हैं, हाँ और किससे पूछना चाहते हैं आप? मैं बैठे हुए पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि सच्चिदानंद जी का क्या 10 साल का जो संन्यास वाला पीरियड है वो उन्होंने पूरा किया है, और यदि नहीं पूरा किया है तो जो उपाधि महामंडलेश्वर की उनको दी गई है क्या उनके गुरु को ये अधिकार है कि वो रिलैक्स कर दे इस पीरियड को? श्रीमान ऐसा है कि मैं आपसे पूछता हूँ कि कभी भी कभी आपका कभी किसी घर में 1 करोड़ साल से अंधेरा है और वो अंधेरा को दूर करने के लिए 1 करोड़ साल जो है उजाला करने की जरूरत नहीं है, एक बार जाके माचिस जलाएंगे दिया जलाएंगे तुरंत प्रकाश हो जाएगा। तो इसीलिए जीवन में कभी भी बोध को ज्ञान हुआ तो 1 सेकंड में हो गया, किसी को भी ज्ञान होने के लिए वो जो है कुछ क्षण चाहिए, और जब उसको वो तत्व को प्राप्ति हो जाती है तो निश्चित रूप से उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। अभी आदमी जो है जन्म लेता है और मरता है तो 1 मिनट लगता है मरने में भी, तो इसीलिए कि मोह वहां से जीव लोग जीव उतर सनातना हमारी सनातन धर्म की परंपरा रही है, और उस परंपराओं के हिसाब से उस परंपराओं को सब कुछ निर्वाह करते हुए उन्होंने जो संन्यास ग्रहण किया और महामंडलेश्वर जो है उनको जो सज्जन गिरिजी को महामंडलेश्वर बनाया है उसमें कोई किसी का गलती नहीं है और सही रूप में सही अर्थों में बनाया गया है, और आगे आने वाले समय जैसे नवल किशोरदास जी महाराज आचार्य जी महाराज ने भी कहा कि वो अच्छे कार्य करेंगे ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। उनका सवाल मैं एक बार फिर दोहराऊंगी, आप में से कोई भी जो जवाब देना चाहे, उनका ये कहना था कि 10 साल का एक नियम है कि 10 साल तक आप सन्यासी रहें, और क्या गुरु नियम नहीं है कि 10 साल तक, और क्या गुरु ऐसा चाहे अगर कि वो उस समय सीमा को कम कर दें या रिलैक्स करें, ऐसा भी संभव है? ऐसा कोई जिन्होंने उनको सन्यास दिया है और संबंधित अखाड़े के ऊपर होता है, जिस अखाड़े में आपको पट्टाभिषेक किया जा रहा है वो अखाड़ा आपसे स्वीकृति ले रहा है, आप अखाड़े को एक एजेंडा हमारे यहाँ फेरा जाता है और अखाड़े ने उसको एक्सपेक्ट कर लिया तो कर सकते हैं, क्योंकि हर अखाड़ा अपने आप में मंडलेश्वर बनाने के लिए स्वतंत्र होता है, और आपत्ति होती है तो अखाड़ा परिषद जो बना हुआ है वो उसमें विवेचना कर सकता है। ये बताइए कि महामंडलेश्वर, चलिए आप सबका तर्क समझ में आ गया, सब सही कह रहे हैं आप, लेकिन महामंडलेश्वर बनाने के लिए क्या नियम है ये स्पष्ट करिए। देखिए महामंडलेश्वर बनने के लिए चाहे साधु बनने के लिए हमारे अंदर महामंडलेश्वर महामंडलेश्वर का मतलब होता है समाज का मार्गदर्शन करने वाला, ज्ञान से ओतप्रोत हो, निष्ठा से परिपक्व हो, गुरु परंपरा से जुड़ा हो और उस भेष की मर्यादा रखने वाला हो, ये बहुत अनिवार्य है, उसमें क्षमता होना चाहिए कि समाज को मार्गदर्शन। ठीक है, मैं आपके पास भी आऊंगी इसी पर जवाब लेने के लिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, आप देखते रहिए जनगणमन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है जनगणमन में, और हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर महामंडलेश्वर बनने के कोई नियम है भी या नहीं। जी जी, ये महामंडलेश्वर जो बनता है वो पहला सबसे पहले जो है अपने गुरु के पास में, जिसे जो भी अखाड़ा बनाता है वो उसके गुरु के पास में आता है, उसके पास में रहता है, तो वो गुरु जो है अखाड़े के सामने रखता है कि पूरा अखाड़े का समूह जितने भी 10,000 साधु है उनके सामने में रखता है कि भाई ये आदमी मंडलेश्वर बनना चाहता है, और इसके अगर आरक्षण विरोध होगा और हमारे मर्यादाओं का अनुकूल नहीं होगा तो हम उसको 1 साल के बाद में इसको हटा भी सकते हैं, और जब पब्लिक में ज्यादा विरोध हो जाता है किसी बात को लेकर तब अखाड़ा परिषद बोलता है कि हमारे कोई जानकारी नहीं थी कि हर अखाड़ा स्वतंत्र इकाई है और वो अपना अखाड़ा स्वतंत्र जो निर्णय लेने में स्वतंत्र है, हर एक अखाड़े का सरकारी रजिस्ट्रेशन होता है और वो उसका पंजीकृत भी होता है, तो वो अखाड़े वाले स्वतंत्र है, उन्होंने अगर बना दिया है और ये अखाड़ा परिषद जो है वो सभी 13 अखाड़ों का एक परिषद है, तो फिर उसमें अगर बात पहुंचती है विवाद भी कोई आता है तो फिर अखाड़ा परिषद कहता है कि मैं देखेंगे उसके ऊपर इससे क्या बात है, तो हम भी हमारे जानकारी तो हम लोग भी जांच करेंगे आदमी कैसा है क्या है, तो इस प्रकार का कोई उसका बारे में होता है, और उसका जो कुछ सब कुछ छोड़ चुका है और अभी उसका कोई संबंध नहीं है, परिवार से भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अपना ये साधु व्यतीत करना चाहता है जीवन साधु का और महामंडलेश्वर जी बनकर काम करेगा, तो ये सारी परीक्षाओं का गुजरने के बाद में फिर वो जो है उसका जो है नदी किनारे लेकर जाकर उसका जो है मुंडन होता है, संस्कार होता है, विज्ञापन होता है, ये प्रक्रिया है, उसका 3-4 दिन चलता है, वो पूरा होने के बाद में उसका दीक्षा देने के बाद में फिर महामंडलेश्वर बनाया जाता है। आचार्य जी जी बिल्कुल ठीक, महंत नारायण गिरी जी ने बिल्कुल ठीक बात बताई है, ठीक इसी प्रकार के सिद्धांत है। भगवान शंकराचार्य जी ने जब संन्यास लिया तो अपनी माता से जाकर के अनुमति लेते हैं कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, जब तक माता अनुमति नहीं देती तब तक सबसे पहले संन्यास नहीं होता, जो विवाहित है
उसे अपनी पत्नी से अनुमति लेनी पड़ती है और पत्नी की अनुमति लेकर के ही उसे संन्यास, पत्नी उसे कोपिन देती है और दो कोपिन देने के बाद वह बताती है कि अब तुमने संन्यास संसार से संबंध तोड़ दिया है, अब कभी वापस इस संसार की ओर आना नहीं है। इस प्रकार से शपथ लेकर के वह अपने गुरु के पास में जाता है और जो गुरु वहां के जो नियम है उस अखाड़ा परिषद के, उन नियमों को सामने रख करके वो सारे नियमों को अगर वह व्यक्ति मानने के लिए तैयार होता है तब उसको संन्यास दिया जाता है और संन्यास देने के बाद उसकी अंत्येष्टि क्रिया आदि समस्त पिंडदान आदि क्रियाओं को कर दिया जाता है और उसके बाद जो है वह संपन्न संसार से उसके संबंध समाप्त हो जाते ठीक है। सवाल कुछ और भी जी, किससे सवाल है आपका? मेरा सवाल है सभी धर्माचार्यों से उच्च है, मेरे जो जितने धर्माचारी हैं बैठे हुए हैं उनसे मेरा सवाल है कि हमारे धर्म के, हमारे हिंदू धर्म के लोग ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप क्यों लगाते हैं? जैसे शंकराचार्य जी ने, जो उनके गुरु थे, उन्होंने जो महामंडलेश्वर बना दिया तो उन पर आरोप क्यों लग रहे हैं? पहले ये सोच के करना चाहिए था। नहीं, आरोप नहीं लग रहे हैं। देखिए किसी विषय पे चर्चा हो रही है, आरोप की बात नहीं है। कोई आप एक धर्म के मार्ग पर जा रहे हैं, यहाँ तो हर व्यक्ति की विवेचना है, चिंतन है कि आप जिस पद पे हैं उस गर्मा के योग्य हैं कि नहीं। किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करना कोई बुरी बात नहीं है कि आपका प्रारब्ध क्या, अलग बात है। वर्तमान में जो दायित्व तो समाज ने आपको दिया है उस पर आप खरे उतरते हैं कि नहीं, कसौटी पर उतरते हैं कि नहीं। किसी भी सोनार को अपने सोने को दबाने का पूरा अधिकार है, उसमें क्या दिक्कत है? हमारे हिंदू धर्म में नहीं होता और जो और धर्म के लोग हैं उनमें तो नहीं होता। ये हमारे हिंदू धर्म में मालूम होना चाहिए, हमारे यहाँ पर एक सनातन धर्म है, इसके बाकी सब नकली की परंपरा हमारे यहाँ है। केवल एक है वो सनातन धर्म है जो हिंदू धर्म, बाकी सभी जन्म से व्यक्ति हिंदू है, बाकी सब यहाँ आने के बाद बनाए जाते हैं। उसकी योग्यता देखिए, कोई भी व्यक्ति है उसको योग्य है कि नहीं, इसमें चर्चा करने में अच्छी बात है। नहीं है तो उसको चाहे आप मामले से जगतगुरु भी बन जाएंगे, गलत करते हैं कि समाज को अधिकार कहने का है, वो कहा जाएगा? आचार्य मुद्दे योग्यता तो होना चाहिए, उसकी पात्रता तो होना चाहिए, ये कष्ट है। ठीक है, हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है। तो ये थी इन धर्म गुरुओं की और धर्माचार्यों की राय और जनता के सवाल थे जिसके उन्होंने जवाब दिया। आपकी भी अगर कोई राय है इस मसले पर तो आप हमें जरूर अपनी राय भेजें जनगण_मन पर। फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी है।